हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं काफ़ी अर्जेंट में बना रहा हूँ और ध्यान रखेंगे आप, ये वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो नई चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसा कि आपको पता है, आपने चैनल जरूर विजिट किया होगा कि ये जो चैनल है इंटेक ट्यूटोरियल्स के लिए और कम्पिटेटिव एग्जाम्स गाइड के लिए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑफकोर्स ये चैनल आपके लिए है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कैसी वीडियोस रिकॉर्ड करें, कैसी क्या करना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका छोटा छोटा भाई बहन अगर कोई भी है जो इससे रिलेटेड है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप मुझे SMS कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं आप मुझे। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जो है मेरी तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, और दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपका वेट कर रही हैं, तो आप जाकर उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही काम की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें नहीं है, तो आप जाकर जरूर वीडियोज़ को देखें। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, और सबसे बड़ा जो धमाका था ये है कि दो वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ अनअकैडमी के ऊपर, जो कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। अभी 2 घंटे पहले इसको पोस्ट किया गया है अनअकैडमी की तरफ से और मुझे लगा अर्जेंट में वीडियो आपके लिए बना देता हूँ मैं। अब देखिए, ये आप सामने देख रहे हैं अनअकैडमी इमर्स प्रोग्राम फॉर एजुकेटर्स IIT JEE। अगर आप IIT यानी अगर आप 11th 12th में अगर आपकी सब्जेक्ट अच्छी है, ठीक है, जैसे लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपका बहुत अच्छा है, तो आप IIT JEE कैटेगरी में आप टीचिंग कर सकते हैं, एजुकेटर बन सकते हैं। और हाँ, ये अभी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस है, एक बार अगर आप इसमें अभी सेलेक्ट हो जाएंगे फॉर्म भरने के बाद में, तो आप बहुत जल्दी इस पर ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि अभी ये नया प्रोग्राम है ना। इसका नाम है अनअकैडमी इमर्ज प्लस प्रोग्राम फॉर एजुकेटर्स IIT JEE के लिए, ठीक है। तो अगर आप मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री कैटेगरी से हैं तो आप जाकर जरूर अप्लाई करें, और इसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो विद इन मंथ आप 1 महीने के अंदर या प्लस एजुकेटर बन जाएंगे। फिर बहुत सारा ग्रोथ है, बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, लाखों रुपए सैलरी होती है, ठीक है, 1,20,000, 1,50,000 तक सैलरी होती है, ठीक है। मैं पिछले 3 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है वहाँ सारी चीज़ों के बारे में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चूँकि मैं इस कैटेगरी को हैंडल नहीं करता हूँ, चूँकि मेरी जो कैटेगरी है वो रेलवे और SSC है, बैंक है, ठीक है, IIT JEE के लिए मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर फिलअप करें। फिलअप कैसे करना है, देखिए यहाँ आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो जाने के बाद में आपको यहाँ बस सिंपली आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। ये फॉर्म इतना छोटा नहीं है, इसमें आपको दोबारा से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपका नाम, email ID, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपको यहाँ से दोबारा से नेक्स्ट करना पड़ेगा, और 1-2 पेज आई थिंक होगा, मैंने अभी चेक नहीं किया, क्योंकि फिल करने के बाद ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप एजुकेटर बनने जा रहे हैं तो फॉर्म तो आप फिल ही कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। इस फॉर्म का जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हमेशा एक्टिव रहें। वीडियो में कभी भी बना के पोस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जैसी वैकेंसी आती है मुझे लगता है सारे काम छोड़कर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, वरना अगर मैं देर से वीडियो बनाऊँगा तो यहाँ कुछ ऐसा है पहले आओ पहले पाओ टाइप सा ना, अगर आप लेट करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो आपको प्राइमरी एप्लीकेंट बनना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए, दूसरी जो वैकेंसी हमारे पास है दोस्तों, ये है अनअकैडमी करियर के नाम से। इसके अंदर क्या है, ये जो आपने सुना होगा BDA होता है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, है ना, उसकी जॉब है। इसके अंदर क्या होगा, आपको अनअकैडमी के जो प्रोडक्ट है, मीन्स जो एजुकेशनल प्रोडक्ट है, उनको आपको सेल करना होगा। जैसे बायजूस का आपने बहुत नाम सुना होगा, BDA की जॉब होती है, ठीक है, ये सेल्स की जॉब है एक तरीके से। तो यहाँ इसके बारे में छोटा सा ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि आपको जो है आपको उनके यानी कस्टमर से आपको मिलना होगा, यानी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से आपको मिलना होगा, और इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा। टेकिंग अप रिवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस मॉडल ऑफ सेल्स विल गिव यू एन एक्सपोजर ऑफ द बेस्ट इनसाइड सेल। मतलब क्या होगा कि आपको जो भी रिवेन्यू जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए 50,000, 60,000, 70,000 रुपये का एक प्रोडक्ट बिकता है, तो उस रिवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, आपको कलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ऑडिट यानी जो आपके सीनियर्स हैं उनको आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, हैंड ओवर करना है, यही सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है, ठीक है। आपके पास ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल ऑफकोर्स होना चाहिए, सेल्स की जॉब है तो, है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, सेल्स की जॉब है। और अगर आप इसको करना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाद में आप आगे पीछे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह की जॉब है ना, पहली है BDA की और दूसरी है सीनियर BDA की। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस सेल्स का है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी है, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप BDA के लिए कर सकते हैं, सीनियर के लिए आप नहीं कर सकते। बस इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली नाम, email ID, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन,
और एक्सपीरियंस इन सेल्स अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपको फिल करना है, अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करना है, दूसरा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं, आपने ऐसा क्या देखा अनअकैडमी के अंदर, आप सीधा सीधा जो भी आप चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और रिज्यूमे आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं अपना, इसके बाद सबमिट कर देंगे। तो दो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया, पहला IIT JEE अगर आप टीचिंग कैटेगरी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अकेडमी के अंदर तो टीचिंग कैटेगरी के लिए ये वाला फॉर्म है, अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो सेल्स के लिए ये वाला फॉर्म है। आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बस आपके अन अकेडमी के कोर्सेज और प्रोडक्ट जो है ऑफलाइन जाकर जहाँ भी आप रहते हैं उस लोकेलिटी पे, या फिर आप वो जहाँ बुलाएंगे, अगर बेंगलुरु बुलाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा ऑन इंटरव्यू के बाद लोकेशन आपको कहाँ मिलती है, ठीक है। तो ये सेल्स की जॉब है, ऑफकोर्स आपको प्रोडक्ट सेल करने होंगे एजुकेशन के, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी वीडियो में मैंने दो तरह की चीज़ें कवर कर दी, अलग अलग वीडियोज़ में बनाने के लिए नहीं सोच रहा था क्योंकि बहुत बहुत बड़ी वीडियोज़ हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आप टेलीग्राम को जाएँ और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम विजिट करके और गूगल फॉर्म भरेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट बार मैं जैसे ही अचानक से वीडियो बनाऊंगा आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है तो फटाफट क्या करूंगा कि टेलीग्राम पर ही डायरेक्ट मैं उसका लिंक और कमेंट वगैरह पिन कर दूंगा, क्योंकि हर वैकेंसी के लिए वीडियो बनाना ठीक नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर एक वैकेंसी है उसकी छोटी वीडियोज़ होती है तो शॉर्ट वीडियोज़ मैं बनाऊंगा, या फिर शॉर्ट वीडियोज़ नहीं बना पाऊंगा तो डायरेक्टली मैं टेलीग्राम पर एज ए टेक्स्ट टाइप करके पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, आप मुझे कमेंट करेंगे कोई भी डाउट है तो। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।